नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल एक नया जगह दिखाऊंगा। नया जगह बल्कि मैं आज जा रहा हूं चिनाब नदी में, और यह है कौड़ी चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट एरिया। यहां से मैं गांव के रास्ता नीचे जाऊंगा, और सुना है वहां पे बहुत ही अच्छा एक वाटरफॉल है, और इस जंगल के रास्ते से चिनाब दरिया तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कितना मुश्किल है, एक रास्ता दिखाऊंगा। और साथ ही मैं सभी से आग्रह और रिक्वेस्ट करूंगा, ये जैसा कि पूरा देश भारतवर्ष कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, और इस समय इस परिस्थिति में आई रिक्वेस्ट वन एंड ऑल, प्लीज बी सेफ, कीप सेफ योर फैमिली, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यूज मास्क एंड इनटेक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी हाफ एन आवर इंटरवल। तो चलिए मैं चलता हूँ इसी रास्ते से, और आपको दिखा दूँ मैं दोस्तों ये कौड़ी गांव के आसपास और दूर दराज जाने का एक छोटा सा नैरो फुटपाथ है, रास्ता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं आज इसी रास्ते से नीचे चिनाब नदी तक, दरिया तक जाऊंगा, और बहुत ही मुश्किल और जंगल का रास्ता और काफ़ी नैरो फुटपाथ, और जबकि जब दूर दराज में आपको घर दिखाई दे रहे हैं, उन घरों के बाद जो नीचे उतरने का रास्ता है काफ़ी मुश्किल है, जो मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। दोस्तों अभी मैं अपनी यात्रा शुरू कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने कहा है, आज मैं इन्हीं पतला और काफ़ी नैरो रास्तों के से ही मैं नीचे चिनाब दरिया तक जा रहा हूँ। मेरा चिनाब नदी तक जाने का मकसद कुछ नहीं, बल्कि मेरे चैनल व्यूअर्स और वो सभी लोग जो YouTube को कभी न कभी अपना जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से एक अनछुआ अनदेखा इन गांव का, छोटे छोटे रास्तों का रहस्य, और जब कभी भविष्य में इधर आना होगा तो कैसे चिनाब नदी तक इस रास्ते से पहुंचा जा सकता है, उनको कुछ जानकारी मिले। और आज है रविवार, संडे, 30 मई 2021। पूरा ही देश भारतवर्ष कोरोना से जद्दोजहद कर रहा है, और इस पीरियड में वैसे तो वी शुड ट्राई टू ट्रैवल पब्लिक प्लेसेस और गैदरिंग और ज़्यादा लोगों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं कोई लोगों से मिलना चाहिए, आप सभी को पता है, क्योंकि कोरोना से बचने का ये एकमात्र तरीका है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ देश को कोरोना से बचाने का नारा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और मैं और मेरे 3 कलीग्स जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इसी रास्ते से चिनाब नदी की ओर जा रहे हैं, और गांव वाले से और यहां के जो लोकल लोग हैं उनसे सुनने में आया है कि नीचे एक वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर झरना है, और ये जंगल काफ़ी सुंदर और मनोहर दृश्य है। तो इसी को मैं अपने कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कैप्चर करके, कैद करके मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इसी मकसद के साथ मैं आज चिनाब नदी की ओर जा रहा हूं। आ जाओ सीधा आ जाओ यार।
यहाँ पे देखो एक गिरगिट, चिनाब का रास्ता जाने का रास्ता यही है ना सीधा ही नीचे दरिया दरिया। हाँ हाँ नीचे नीचे सीधा जाके आगे जाना है ना। अच्छा नहीं नीचे उतरना कहाँ से है, थोड़ा आगे जाके। अच्छा 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 ठीक है। ये रास्तों के बीच में आने वाले छोटे छोटे नाले, जो जैसा कि पहाड़ों में बारिश होता है तो ऊपर से मलबा जो छोटे छोटे बोल्डर्स और मड को अपने साथ बहा के लेके आता है, और एक बहुत बड़ा स्लाइडिंग बनता है जो एक बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है। आपको दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे बरसाती और सूखे नाले हैं। और ये कौरी गांव का नज़ारा, और ऊपर से चिना ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है उसका कंप्लीटेड आर्च का पोर्शन आपको दिखाई देता हुआ, और ये गांव के छोटे छोटे खेत खलियान हैं जिसको टेरेक फार्मिंग भी कहा जाता है, और छोटे छोटे घर हैं, और ये हमारे इंजीनियर कलीग्स जो हम लोग साथ में जा रहे हैं, और ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और फुल प्रोटोकॉल को फॉलोअप करते हुए आज हम लोग नीचे, आपको दिखाई दे रहा है चिनाब दिखने में नज़दीक है, लेकिन पहले जैसा कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं गांव वालों से जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटा का रास्ता तय करना पड़ेगा। और ये रास्ता जैसा कि आज फुल सन है और गर्मी काफ़ी है, और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ का टेम्परेचर शायद नियर अबाउट 28-29 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास रहा होगा।